हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे नोकिया 6.1 की अनबॉक्सिंग, जो नोकिया ने दोबारा से स्नैपड्रैगन 630 के साथ लॉन्च किया है। बॉक्स के पीछे आपको सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन है। आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगी, 8+13 का कैमरा मिल जाएगा, और भी डिटेल्स है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने बॉक्स को अनबॉक्स। मैंने ऑलरेडी सील ब्लॉक कर रखी है, तो जल्दी से चलिए कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स को कुछ इस तरीके से पुल कीजिए। पुल करने के बाद आपको आपका डिवाइस दिख जाएगा, जो कि फ्रंट पे ही रखा हुआ है कुछ इस प्रोटेक्टिव कवर के अंदर। तो चलिए जल्दी से इसे भी निकाल लेते हैं इससे बाहर। इसको बाहर निकालते ही देख सकते हैं आपकी क्वालिटी साफ दिख जाएगी नोकिया की तरफ से, क्या क्वालिटी दे रहा है नोकिया आपको। फुल 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फील एंड ग्रिप है आपको। अच्छा एल्युमिनियम यूनिबॉडी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी शार्पनेस है आपको। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल के साथ नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। यहाँ से फिंगरप्रिंट सेंसर हटाकर बैक साइड में दे दिया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आपको बैक साइड में, देख सकते हैं फील एंड ग्रिप काफ़ी अच्छी। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बॉक्स के साथ एक पावर बटन मिल जाएगा। राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फील एंड ग्रिप है नोकिया की तरफ से। स्टार्टिंग से ही नोकिया काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीमियम लुक के फ़ोन बनाता हुआ आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए रख लेते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या कंटेंट मिलते हैं। ये है हमारी सिम इंजेक्शन पिन, जो हमारे फ़ोन में से सिम ट्रे को निकालने के यूज़ में आएगी। ये हमारी यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड, चलिए इसे रख लेते हैं साइड में। इस बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमें क्या कंटेंट मिल जाते हैं। ये है हमारी एयरफोन्स, जो कि नोकिया के पुराने वाले ही हैं, काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में है। ये हमारी USB टाइप सी केबल, क्योंकि इस फ़ोन में हमें USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो रख लेते हैं चलिए इसको साइड में। देखते हैं हमारा पावर अडैप्टर की तरफ। ये है हमारा वॉल चार्जर, जो कि 5W 2A का, और नोकिया ने क्लेम किया है कि हमारा फ़ोन आधे घंटे में 50% तक चार्ज कर देगा। तो देख लेंगे इसे भी बाद में, तो चलिए अभी के लिए रख लेते हैं साइड में। कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन दिख जाती है आपको आपको वॉल अडैप्टर के ऊपर। ये कुछ कंटेंट है जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। हमारा फ़ोन, यूज़र मैनुअल, सिम इंजेक्शन पिन, डाटा केबल, पावर अडैप्टर और एयरफोन। चलिए कर लेते हैं अपने डिवाइस को पावर ऑन। पावर ऑन करते ही देख सकते हैं डिस्प्ले पे हमारा साफ साफ मेंशन कर दिया एंड्रॉयड 1, जो कि सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, प्योर एंड्रॉयड है हमारा नोकिया 6.1। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिस्प्ले दी हुई है नोकिया ने, काफ़ी अच्छी फील एंड फिनिश है नोकिया की ब्रांडिंग के साथ आता है। आप फिर देख सकते हैं जिस नोकिया का लोगो आ गया स्टार्ट होते ही, काफ़ी अच्छा लग रहा है नोकिया के ऊपर। एंड्रॉयड स्टार्टिंग डिस्प्ले में आपको साफ साफ मेंशन है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगी, देख सकते हैं आइकन्स काफ़ी शार्प है, डिस्प्ले हमारी काफ़ी शार्प है, काफ़ी इजीली आप आइकन्स को रीड कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो इन सबको। तो चलिए देख लेते हैं हमारे को 32 में से कितना स्टोरेज मिल जाता है हमें यूज़ करने के लिए हमारे फ़ोन के अंदर। तो देख सकते हो हमें 12.63 GB यूज़ मिलता है, जिसमें से हमें 20 GB खाली मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। पीछे की साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है फ़ोन 6। और मैंने इसे ऑफलाइन 16,000 रुपये में ख़रीदा है, ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है ये किसी भी साइट पर। तो जब भी होगा तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है फ़ोन, वो तो काफ़ी पसंद आया फ़ोन। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसका कैमरा। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देता है। स्टार्टिंग से ही नोकिया के कैमरे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी की फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए आ रहे हैं। इसमें भी यही चीज़ है, नोकिया अपने कैमरे से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये बूटी मोड है, देख सकते हो दोनों कैमरे आप एक साथ एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए ये कुछ सेटिंग्स हैं, इन्हें हटाता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको इसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करके। तो देख सकते हैं मैं फ़ोटो क्लिक करी है मैंने ये वाली, और एक और फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की फ़ोटोज़ ये कैमरा कैप्चर करता है। तो कुछ देख सकते हैं मैंने आउटडोर जाकर कुछ इसी कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक किए, फोटोज़ है मैंने इसकी फ़ोन से क्लिक की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप वीडियो के मज़े लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।